Let's get back to previous year, that is 2019 and 2020. खड़कपुर में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान करीब 2.5 करोड़ का ऑफर दिया गया. It's good news from IIT Madras, which has had its best placement season ever. को रिकॉर्ड तनख्वाह के ऑफर मिल रहे हैं. तो आज अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बात कर, क्या ये चीज ऐसे प्लेसमेंट्स अभी पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट. द रियल रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स इन 2024, 2025 और 2026 इज एक्चुअली काफी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे. बाकी देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो इस पूरे सिनेरियो के लिए जिम्मेदार है, जो आज की डेट में आप फेस कर रहे होंगे. इवन दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स, इवन द सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे होंगे आखिरी के 2 मिनट में. ईयर 2020 में इतने ज्यादा अच्छे अच्छे पैकेजेस इसलिए ऑफर हो रहे थे बिकॉज दैट वॉज द टाइम ऑफ द कोविड, एज वेल एज सभी जगह से फंडिंग बहुत ज़्यादा मिल रही थी, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी बिकॉज वाईफाई हो गया या फिर जो भी एक्स्ट्रा ऑपरेशनल कॉस्ट है किसी की भी कंपनी की वो कम हो रही थी. इस वजह से सब लोगों जितने भी कंपनीज थे उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और बोली कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग कर लेते जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को ले पाएंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डील्स क्रैक कर पाएंगे. तो 2020 में बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई, इंटेंस नंबर ऑफ हायरिंग हुई और ये जो बाकी फिर ईयर 2022, 2023 इवन 2021 से ये जो नंबर ऑफ हायरिंग एक्स्ट्रा सप्लाई हुए थे बंदों के वो सब अब निकाले जा रहे, इसलिए ये मासिव लेऑफ्स के तौर पे आ रहा है. एंड ऑल्सो जब एक्सपीरियंस बंदे इतने सारे निकाले गए हैं तो दो टाइप ऑफ मार्केट में बंदे आ चुके हैं, वो है एक्सपीरियंस बेस एज वेल एज आपका फ्रेशी बेस. नाउ तो फ्रेशी इज नथिंग बट मान लो 2024 में बंदा पास आउट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेशी बंदा जो अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट किया. इंडस्ट्री के पास या फिर कंपनीज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक्सपीरियंस बंदे को ले सके या फिर फ्रेशी बंदे को ले सके. ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बंदा जो है काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे ने अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो गेन किया, मे बी ऑफ द 9 ईयर्स, मे बी ऑफ द 10 ईयर्स और 5 ईयर का भी एक्सपीरियंस काफी होता है. बाकी फ्रेशी बंदे के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड मास लेऑफ्स इस वजह से जो एक्सपीरियंस बंदे वो काफी अच्छे पैकेजेस पे बाहर हुए बिकॉज एक अनसर्टिनिटी हुई पूरे जॉब में. एवरी सिंगल गाय ऑन द कंपनी डोंट नो कि कल उसकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी में रहता है और कुछ ना कुछ एक ट्राई करता रहता है. ट्राई करता रहता मतलब बेस्ड ऑन द स्किल्स या फिर एक्स्ट्रा थिंग्स भी. और बाकी सब लोग स्किल्स सीख रहे उस वजह से कैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में पहुंचे हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे. इसी वजह से एक्सपीरियंस पीपल भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे कि अगर उनकी वर्थ जो है 30 लाख पर एनम है वो कहीं ना कहीं 10 लाख पर एनम के वर्थ पर भी काम करने को तैयार है. जो कि जनरली अगर कोई भी कंपनी स्विच करता था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज में स्विच करता था maybe of the 2x times, but यहां पर अगर decreasing order पे भी है तो भी सब okay है, हर कोई लेना चाहता है. Since you have been the lovely audience watching this video और आप बहुत ही ज्यादा lovely audience है इसलिए मैं बहुत ज्यादा basic और बहुत ही ज्यादा तरीके से चीजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करो. बाकी एक चीज आप पहुंचा सकते हैं दैट इज सिंपली सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आप और हमारा बॉन्ड बढ़ेगा जिससे आपको और भी इस तरह का कंटेंट मिल रहा होगा जो एक्चुअली में आपको हेल्प कर रहा होगा. जो 1-on-1 कनेक्शन हम बिल्ड करना चाहते हैं वो इस सब्सक्राइब बटन से आप एक कंफर्मेशन दे दोगे. बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जब एक्सपीरियंस बंदा भी जॉबलेस है, इवन द फ्रेशी बंदा भी जॉबलेस है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ये हो जाता है कि अब कंपनी पास दो चॉइसेस, या तो वो एक्सपीरियंस बंदे को ले ले या फ्रेशी बंदे को ले ले. अब इस केस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक मिक्सचर टाइप ऑफ पीपल रहते हैं कि हाँ ठीक है मैं 30% ऑफ द पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट में मैं एक्सपीरियंस बंदे को लेने में जाऊँगा, बाकी मैं जो भी 60-70% ऑफ द मनी है मैं थोड़ा सा फ्रेशी बंदे को लेने में दे दूंगा. अब कंपनी के पास चॉइस ये है क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे का रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है. जो चीज़ मान लो अगर कोई परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस बंदे को कंपनी को एक्सपीरियंस बंदे को हायर करना है तो करीब करीब वो 100 करोड़ खर्च करते थे, वही चीज़ आज की रेट में वो 50 करोड़ पे कर रहे हैं. और वही चीज़ अगर फ्रेशी बंदे को ऑल टोटल अगर ले लिया जाता था तो उसके लिए 60-70 करोड़ लगता था किसी भी कंपनी को, तो वो आज भी 60-70 करोड़ है. इसलिए एक्सपीरियंस बंदे को वैसे भी 2 से 3 जूनियर का काम कर सकता है, इस वजह से उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज एक्सपीरियंस बंदे पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं. बाकी इससे फ्रेशी को डिक्लाइन करने का यही बस रीज़न नहीं है, बाकी एक और रीज़न है क्योंकि फ्रेशी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट भी लग रही होती है. क्योंकि जनरली यार कुछ भी कर लो आप कॉलेज लेवल पे अभी अगर पास आउट हो एज अ फ्रेशी तो आपको एक रहता है कि नॉर्मल सी बेसिक कोडिंग आती होगी या फिर बेसिक सेल्स स्किल आती होगी, कंपनी कल्चर आपको पता नहीं होगा. ये सब चीज़ों में मिनिमम या 3-4 मंथ्स एक कंपनी अपने एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट करती है और वो चीज़ एक्सपीरियंस बंदे पे इससे ज़्यादा खर्च नहीं होता. बेस्ड ऑन इट उनका टाइम भी बच जाता है, उनका कॉस्ट भी बन जाता है, ऊपर से उनका जो एक्सपीरियंस जो किसी और कंपनी के साथ वर्क करके मिला था वो मिल रहा होता है. एक और मेन प्रॉब्लम बोलूँगी जिस वजह से ये चीज़ हो रही है,
आज से 2019 या 2018 तक पहले ये जो पावर ऑफ चूजिंग थी कि कौन सी कंपनी में काम करना है वो थी हमारे एम्प्लॉयज के हाथ में, बट बेस्ड ऑन द कोविड एंड रिसेशन ये सब जो चीज़ें आई, अब कंपनी के हाथ में पूरी पूरी पावर है कि किसको वो लेगा। आपने कई इंटरव्यूज या फिर कई रील्स वगैरह देखे होंगे, शॉर्ट्स वगैरह देखो, जिसमें एक पोस्ट के लिए करीब 10,000 प्राइवेट कंपनीज के लिए लाइन लगी रहती थी। बाकी मैं पहले ही बोल चुका था कि ये वीडियो सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स बस को गिराने के लिए नहीं है, बट जो मेरे ओपिनियन में इको सॉल्यूशन है वो मैं बताने चाहता हूँ। उसके पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने अपने पापा लोगों से सुना था कि 1980s के टाइम पे या 1990s के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब्स थी, बट गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग नहीं थे या फिर गवर्नमेंट जॉब आसानी से लग जाती थी। मतलब बहुत ही सिंपल वे में पेपर्स वगैरह होता था, इतनी ज्यादा पोस्टिंग थी और कम लोग भरते, तो इस वजह से एवरी सिंगल वर्क के पिताजी या माताश्री जो है वो अगर गवर्नमेंट जॉब में, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी कम थी गवर्नमेंट जॉब में। बट आज के सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा मारा मारी है, मतलब इवन तो यही कंपटीशन है कि जब 1990s में ये चीज़ गवर्नमेंट जॉब थी तो लोगों ने ऐसा बोला यार ये इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं देगा, बट एंड ऑफ द डे जब चीज़ें वर्कआउट होती गई कि थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा अच्छे से सैलरीज होने लगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तब लोगों को लगा यार इससे अच्छी कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रेशर नहीं इतना पड़ेगा, ऐसा लोग समझते हैं। मैं ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में हूँ, बट ये चीज़ थी, इस वजह से सभी लोग इस जगह पे जाना चाहते थे क्योंकि सिक्योरिटी थी। सेम केस हो रहा है यहाँ वाली इंडस्ट्री के साथ, बिकॉज एवरीवन नोज कि टेक ही एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर अभी और भी काम होने वाला है, और इसी वजह से टेक में पैसा भी अपार रहेगा, भले लेऑफ्स बहुत ज़्यादा है पर पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से सब लोग अपना अपना कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि वो हर एक बंदा जो है वो हर स्किल्स करने वाला है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब में भी थोड़ा आसानी से आप क्रैक कर सकते थे, बट आज की डेट में आपकी 16-17 आवर्स तक लोग पढ़ रहे हैं या फिर 14-15 आवर्स तक लोग पढ़ रहे हैं तो भी उनका नहीं निकल पा रहा। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, सब लोग के पास रिसोर्सेज है, सब लोग के पास चीज़ें हैं जो कि इस डोमेन को, दैट इज़ आपका टैग डोमेन या फिर जो भी प्लेसमेंट रियलिटी है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस कर रहे हैं। पहले के टाइम पे मेरे सीनियर्स भी बोलते थे यार मैं नॉर्मल सा पढ़ ले, थोड़ा बहुत कोडिंग कर लिए, कोडिंग में एरेस वगैरह तक पहुंच गए और भी थोड़ा डिटेल में डीएसए वगैरह कर लिए, उसके बाद हमारा जॉब वगैरह थोड़ा सा आसानी से पक्का हो जाता है। बट आज की डेट में बोला जाता है यार तुम्हें डीएसए आता ही है तो भी तुम्हें डेवलपमेंट भी आना चाहिए, थोड़ी बहुत अदर स्किल्स भी आने चाहिए, तुमसे ये आना चाहिए वो आना चाहिए, तो हर कोई बंदा अपनी स्किल्स एनहेंस कर रहा है, इस वजह से और कॉम्पिटिटिव बनना है तो या तो आपके पास ऑप्शन है थोड़ा सा और बढ़ा दो या तो जाने दो, सिंपल। बट मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ इस पूरे के सिनेरियो में तो मुझे एक कोट हमेशा से पसंद आता था, अभी लोग एक चीज़ पर बैट कर रहे हैं कि आने वाले 10 या 20 साल में क्या नया आने वाला है, बट ज़्यादातर लोग ये चीज़ पर फोकस नहीं करते कि आने वाले 10 से 20 साल में क्या चीज़ बिल्कुल चेंज नहीं होने पाती। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का केस है, अमेजोन के एक इंटरव्यू में जेफ बेजोस से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है आने वाले 10 से 20 साल में क्या चीज़ें आने वाली है, तो जेफ बेजोस ने बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई किया था कि मुझे नहीं पता कि आने वाले 10-20 साल में क्या होने वाला है, बट मैं ये जानता हूँ कि क्या चीज़ नहीं बदलने वाली है। मुझे पता है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, इवन सस्ते से सस्ते सामान की उन्हें अभी भी नीड है। I very frequently get the question, what's going to change in the next 10 years? And that is an interesting question, it's a very common one. I almost never get the question, what's not going to change in the next 10 years? And I submit to you that that second question is actually the more important of the two, because you can build a business strategy around the things that are stable in time. And so as you pointed out, in our retail business, we know that customers want low prices. And I know that's going to be true 10 years from now. तो इसी बेस पे वो अपना वर्क करते रहे, तो यही चीज़ है आपको भी सोचना है कि आने वाले 10 साल में क्या चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है, ये तो हमेशा से ही रहेगी। बाकी रियलिटी चेक ऑफ प्लेसमेंट्स आपको पूरा सिनेरियो बता चुका हूँ, बट मैं बोलूँगा प्लेसमेंट की तैयारी से पहले ही एक चीज़ तो जान लो कम से कम अगर आप सेकेंड और थर्ड ईयर में, कि आपकी प्लेसमेंट एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है, प्लेसमेंट में किस तरह से आप बैठ सकते हो, क्या क्या आपको ऑन बोर्ड प्री रिक्वेस्टीज है कि यही चीज़ होनी पड़ेगी नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बात की है, तो इस वाली वीडियो पर चेकआउट करो और पूरी ए टू जेड डिटेल्स जान लो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।